जालिम की पकड़ तो जरूर होती है, इतना तो मालूम होगा। पहले मेरी पकड़ से तो बचो तुम। इधर आ सितमगर होना आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। जुल्म 20 नवंबर से, तीर शब 8 बजे। जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। सर एक और जोक सुनाओ। एक और? सर चूहे ने हाथी से पूछा तुम्हारी उम्र कितनी, उसे कहा 2 साल। फिर हाथी ने चूहे से पूछा तुम्हारी उम्र कितनी, उसे कहा 2 साल, बस फर्क इतना है मैं थोड़ा कमजोर हूँ। अच्छा था, नया है। मजा नहीं आया ना? नहीं नहीं, बस चूहा बूढ़ा हो गया था तो 2 साल का था। अब ले आओ भाई खाना। मैं कह रहा था कि अब ये जोक्स को छोड़ के ना तो खाने पे फोकस करते हैं, सुबह ऑफिस में जाना। सर ये बताओ कि फजर तुम घर पे ही पढ़ते हो या मस्जिद में? फजर सर मस्जिद में पढ़ता हूँ। कहाँ पढ़ता हूँ? बस ठीक है, सुबह 6 बजे तैयार है ना? 6:20 पे जमात हो जाती है। ठीक है सर। इतने सुबह सुबह उठ जाते हो, मसला नहीं होता? नहीं जी, मैं सोता ही सुबह, तो मुश्किल कैसी? सुबह सोते हो तो फिर टाइम पे दफ्तर कैसे पहुंचते हो? कोई और अटेंडेंस तो नहीं लगवाता तुम्हारे? नहीं सर, लाहौर वाला को होता सर, ऐसी बात नहीं है सर। बात यह है कि मेरी नींद बहुत कम है तो सर बस हो जाता है सर। शिब्रा, शिब्रा रोटियां ले आ। ला रही हूँ भाई, ला रही हूँ। पता नहीं जिस दिन मेरी बारी होती है उस दिन गैस क्यों इतनी कम आती है। ये लो शिब्रा, गरम रोटी दो ना, फजल बख्श को मसाला निकाल के दो। खुद ले लेगा, मेहमान थोड़ी है। हाँ सही बात है, मेहमान थोड़ी हूँ। अगर आप कहो मैं कल से रोटियां बना सकता हूँ सर। इतनी अच्छी गोल रोटी बनाता हूँ, आप देखना। बहुत फजूल जोक था। और ये जोक नहीं, एकदम सच है। क्या हुआ, परेशान हो? सच बताऊं? फजल भाई हजम नहीं हो रहे? बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों, गरीब है इसलिए? पागल वागल तो नहीं हो गई? ऐसा कुछ नहीं है यार, इस फील हमारी ना प्राइवेसी बहुत डिस्टर्ब होती है। पहले हम 4 थे, मैं तुम मम्मा अब्बा, ये 5वां करेक्टर पता नहीं कहां से आ गया। सबसे अनोइंग बात कि माँ उसको सर पे चढ़ा के रखती हैं। तो मसला क्या है? मतलब अच्छा है, स्वीट है, बल्कि तुम्हें तो उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना चाहिए। अम्मी की जान उसे ही ने बचाई थी, तो तुम उसे हर वक्त कोसती ना रहा करो, उसे थैंक यू बोल दिया करो। कितना और थैंक यू बोलूं, शादी कर लूं उससे। जैसे वो करेगा तुमसे शादी? हाँ नहीं, क्या कहा तुमने, दोबारा बोलना। वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो कौन है? एक मामूली सा क्लर्क और मैं फ्यूचर की कमिश्नर, मेरा उसका कोई मैच ही नहीं है। सही कहा तुमने, कहाँ वो और कहाँ तुम। अच्छा वैसे याद है फजल भाई ने एक दफा बोला था कि कल को तुम बेशक चीफ सेक्रेटरी क्यों ना बन जाओ, रिपोर्टिंग फिर भी एक मिनिस्टर को ही करनी पड़ेगी, जो क्या अंगूठा छाप ही होगा। जी बाबा, अभी एयरपोर्ट से निकला हूँ बस। मौसम कैसा है वहाँ? अच्छा मौसम है, ठंडी हवा चल रही है। चलो एंजॉय योरसेल्फ। हाँ थैंक यू। बाबा मैंने आपको अपना एक काम कहा था, आप भूले तो नहीं? हाँ याद है, हफ्ता आपको मिनिस्टर रीइंस्टेट कर लूँगा। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, सांप है वो। हाँ सांप तो है, लेकिन फराज का बाप भी है, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अच्छा उस्ताद जी इजाजत है, ख्याल रखें, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जब से मिली तू
को यकी है तेरे लिए ही मैं हूँ बना, लूटा है दिल को तेरी अदा ने, ये कैसा मुझ पे जादू किया, मेरी दुआ में मेरी सजा में होता है ना लो। अरे खा लो। शुक्रिया। सुने एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? पूछो। मैं जहर लगता हूँ? हाँ नहीं इतने मिल क्या चाहती हो आप? चले जाओ छोड़ के जाओ। ठीक है आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं खुद चले जाऊंगा सब छोड़ छाड़ के। कितने दिन? एक दिन काफी है? हाँ एक दिन काफी है। आप मुझे एक हफ्ता दे सकती हो? हाँ एक हफ्ता दिए। ये भुट्टा आपने बड़ा कमाल का बनाया है वैसे। खा लो और मेरे भुट्टे को नजर ना लगाना जैसे नीचे लगा रहे। हाँ वो देख रहा था इसलिए दिया। और भुट्टे के अलावा आपको खाने में क्या बनाना आता है? बेवकूफ। हाँ बैठ मेरे दोस्त। क्या बात है क्या? आज का लंच भी मेरी तरफ से तुझे। हाँ अच्छा तो ये लंच शामिर करा रहा है या फजल? बाजी डर गई। तू मंगल के मंगल में यहाँ काम करता हूँ। सही है भाई माशाल्लाह आज तो ऐसे लग रहा है जैसे आसमान जमीन पर आ गया है। हाँ बिलू बिलू क्या कहते हैं कि समथिंग हार्ट। कौन है? फजल बख्श है यार बताया था ना फजल बख्श वो है ये। एक दिन मैं यहाँ खाना खाने आया और मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर उन लोगों ने मुझे पकड़ा, दो दिन यहाँ मजदूरी कराई और कूटा बहुत कूटा। ओहो उसके बाद तो मजा आ गया मजदूरी का यहाँ, और यहाँ टिप बहुत अच्छा मिलता है। टिप वो ज्यादा देते हैं जो पी के निकलते हैं। क्या पी के निकलते हैं? कोल्ड ड्रिंक बोल रहा है भाई। कोल्ड ड्रिंक यार कोल्ड ड्रिंक। और यहाँ बहुत ऐसे लोग होते हैं जो टिप नहीं देते। मैं कहता हूँ कुछ तो दो, कुछ तो देना चाहिए।
बुझाई दे दो, पर नहीं बुझा। बुझेगा पता नहीं है यार, तुम लोग जिंदा कैसे हो? मैं तो दिन रात खाता हूँ तब मजा आता है। ये है चुप कतई छोरा। लाना दे रहे। और तुम लोग भी खाया करो। हाँ, इस मुल्क में जीने के लिए बेशर्म होना पड़ता है। हाँ। देखो बहुत सारे लोग बिरयानी पे वोट देते हैं, हम नहीं देते हैं तो बड़े कहते हैं थुक कतई छोरा, वोट नहीं दे रहा। फिर संगत मजबूर है, फिर कहते हैं भले भले। अब बातें कराओगे आर्डर भी दो भैया? यार दो लाना भाई से पूछ लो यार। भाई तो पहले पानी पिएगा फिर आर्डर। हाँ। फिर बाजी डर गई भले। मैं रोज अकेला निकलता हूँ ना नमाज के लिए, तो आज तुम साथ हो तो अजीब सा भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। नाश्ता तो करके चला जाता, आपने रोका क्यों नहीं उसको? वो फजल बख्श बहुत जल्दी में था, वो कह रहा था रातों रात ना वो कोई अर्जेंट काम निकल आया, तो अगर वादा खिलाफी हो गई तो वो एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरा करना है, कुछ ऐसा कह रहा था। अल्लाह उसकी मुश्किल आसान करे। पता नहीं क्या वादा कर लिया वो भी रातों रात। क्या हो गया, दफ्तर जाके पूछ लूंगा। तुम ऐसे ही परेशान हो रही? घर तो होती है ना, बेचारा अपने माँ बाप का बच्चा है। अरे माँ ना किया करे इतनी फिक्र। और ये आपको बच्चा कहाँ से लगता है वो? हाँ अफलातून है, पूरी बात ही सुने कभी आपने उसकी? और खाना खाते हुए देखे कभी? पहलवानों की तरह सब खा लेते हैं। तुम तो रहने ही दो शिप्रा, अच्छे से जानती हूँ जब से फजल बख्श आया है ना तुम्हें एक आंख नहीं भाता। लेकिन सुन लो, उसकी माँ जो है ना उसके सामने खड़ी है, सुन लिया ना? वाह वाह, सुपर पावर की धमकी। ड्रोन पता नहीं कहाँ से उड़ के गिरेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अच्छा यार मजाक कर रही हूँ, मेरा तो इस बात से वैसे कोई लेना देना नहीं है, मैं निकल रही हूँ अपनी क्लासेस के लिए। ओके अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। खुदा हाफिज़ बेटा। चाय गर्मा गर्म चाय साहब। 10 दफा बताया तुझे अपने पैसों की चाय पीता हूँ मैं, हुकूमत के पैसों की नहीं। लेके जाए यहाँ से, जा लेके जा, लेके जा। अरे मुनव्वर भाई, आजकल तो लोग सलमान साहब की डिटो कॉपी बनते जा रहे हैं। जी साहब। रख ले। कि किस लिए साहब? अरे बात सुन, क्यों डरा नहीं काटता तुझे इधर? जी साहब। दो बात है। वो क्या साहब? पहली बात ये, तुम गरीब इंसान हो, मुझे तुम्हारा एहसास है वाकई में। ठीक है, दूसरी बात साहब? मैं कितना सच्चा और कितना दरिया दिल इंसान हूँ इस बात का ऑफिस में पता चलना चाहिए ना लोगों को, ये मुझे जानते ही नहीं। तुम समझ रहे हो नहीं समझ रहे? समझ गए साहब। समझ गए ना? बिल्कुल समझ गए साहब। अच्छा बस देख लो अंदर, चाय लेकर लेकर आना। बाग बाग बाग। क्या बात है फजल बख्श, अपने होने वाले सुसर को इम्प्रेस करने के लिए बहुत पापड़ बेल रहे हो। अरे भाई करना पड़ता है, तूने जिंदगी में कभी सच्ची मोहब्बत की होती है तुझे पता होता, सच्ची मोहब्बत में ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं। और बात पता है क्या, मेरे ससुर को ना मेरी सिर्फ जॉब नहीं चाहिए, एक मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए, करना पड़ता है। वाह क्या बात है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा होने वाला सुसर वो भी सुलेमान साहब की तरह बड़े निमाजी और परहेजी आदमी है। हाँ हाँ, और जो भी करता है हाइट पे जाके करता है, ऐसे नहीं करता। हाय बस तू दुआ कर यार, इस कहानी के आखिर में घोड़ी चढ़ जाऊं।
हमारे ड्रामों की तरह मैंने मजार के नहीं जाना। अरे यार तू घोड़ी चढ़ेगा पक्की? हाँ पक्का, और मैं नाचूंगा। हाय हाय मेरा तो तेरी भाभी कॉल कर रही है। भाभी की कॉल? चल बात कर ले। चल भाभी से बात, उधर बात 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 कर ले। हेलो सलाम अलैकुम। बख्शू के बच्चे नाश्ता किए बगैर क्यों गए थे? कौन बोल रहा है? अच्छा तुम इतने सीधे हो नहीं जितने बनते हो। खैर मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल की थी कि मैंने तुम्हें समझने में थोड़ी गलती कर दी। फोन क्यों किया तुमने? कल जो भी हमारे बीच में बात हुई है ना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, खबरदार। मैं तो बताऊंगा, और क्यों ना बताऊं, मैं तो सच्चा इंसान हूँ, सच बोलूंगा। मैं तो घर तुम्हारी वजह से छोड़ के जाना, तुमने खफा किया मुझे। तुम मत जाना ना। देखो अम्मी अबू को तुम अच्छे लगते हो। मैं बीच में क्यों इंटरफेयर करूं? मैंने अपना फैसला बदल दिया। क्यों क्यों फैसला क्यों बदला? क्या मतलब क्यों? मेरी मर्जी, कहा है ना मत जाओ। चिंगम की तरह चिपक गए हो। बस शिबरा बस, अब ये फजल बशू के वाला नहीं है। अच्छा फिर कैसे रुकने वाला है फजल बख्श? हाथ जोड़ने पड़ेंगे क्या? नहीं बस मेरी एक शर्त है, बाकी एक नहीं, मेरी दो शर्तें हैं। दो शर्तें? बको ए, ऐसे बात करोगी? हाँ तमीज से बात करो ना, फोन काट दूंगा मुंह पे। फरमाइए। तो बात ये है कि ये नहीं, मिलके बताऊंगा। हाय अल्लाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या लेंगे आप, चाय ठंडा या कॉफी? ठीक है कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। हेलो मुझे तो ठीक से हेलो बोला करें शामिर भाई। अरे यार क्या करूं मेरी बहन, फजल बख्श के कैरेक्टर में रहना जरूरी हो गया मेरे लिए। एंड प्लीज डोंट कॉल मी शामिर। अच्छा ठीक है फजल भाई, सुनाए मोहब्बत पहुंची आपकी? पता नहीं है, तुम्हें लगता हुआ आएगी? अरे 100% सुबह अम्मा की धमकी ना सही निशाने पे जाके लगी है, और मैंने भी काफी पुश किया था उन्हें, तो देखें अभी आती होंगी आपको मनाने। वैसे आ गई हो? हाँ जबरदस्त, चलें ऑल द बेस्ट फजल भाई। थैंक यू सो मच मेरी बहन। और दूसरा तुम्हें पता है ये वो जगह है जहाँ से मैंने अपनी मोहब्बत का आगाज किया था और सोचा था, तो इसलिए ये जगह मेरे दिल के बहुत करीब है। यानी बेवकूफ होने के साथ साथ तुम आशिक भी निकलो। ऐसे कौन है वो बदमाशी? वही जो अभी बिल्कुल मेरे सामने है। शायद मुझसे दूर भी। तुम किसकी बात कर रहे हो फजल बख्श? बाइक की गोली से। तुम्हें पता है पूरे 3.5 लाख की है, और मैं इतंगवा से 25,000 रुपए, और वो कहते हैं ना हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा, मैंने कमेटी डाली है 5,000 रुपए की, मगर तुम देखना कितनी रफ्तार से अपनी मोहब्बत की तरफ पहुंचूंगा। चाय पियो। सालों लग जाएंगे मोहब्बत तक पहुंचने में, ऐसे अरे सदियां भी लग जाए तो कोई गम नहीं, बस तुम मुझसे दुआ करो कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाए, बस
पागल हो गए। चाय मंगवाओ जल्दी, निकलें मैं। सॉरी बोलो। सॉरी फजल बख्श। कैसे नहीं, थोड़ा आराम से दिल से बोलो ताकि मुझे महसूस हो। फजल बख्श। सो सॉरी। खुश छोटू, एक कप चाय लाना आराम से। जल्दी निकलने मैंने। क्या हुआ फराज, इतने नर्वस क्यों लग रहे हो? नर्वस? नहीं नहीं, नर्वस मैं बिल्कुल नहीं हूँ, बस मैं सोच रहा था कि क्यों अचानक मैंने यहाँ अकेले क्यों बुलाया, राइट? हाँ, और एकदम से भी ना, सब ठीक है? एब्सोल्युटली। शामिर से बात होती है तुम्हारी? हाँ, तीन चार बार हुई है, काफी मुख्तसर सी। वो आजकल बिजी है ना अपनी नई स्टडीज में, बहुत बिजी है। शायद अपनी स्टडीज में ही इतना बिजी है कि मेरी कॉल नहीं अटेंड कर रहा। या तो मुझे इग्नोर कर रहा है? नहीं, इग्नोर तुम्हें कैसे इग्नोर कर सकता है यार, क्यों लगता है तुमको ऐसा? यही तो मैं जानना चाह रही हूं कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। हेल्प करोगे मेरी? हाँ, व्हाई नॉट, कहो क्या कर रहे हैं? तुम्हें मेरे साथ हमेशा सच बोलना है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे डैड पार्टी में सबसे ज्यादा अहमियत किसे देते हैं? किसको देते हैं? योर डैड। यस, योर डैड। यस यस, एब्सोल्युटली यस, मेरे डैडी जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे चाहते हैं। और मैं किसको चाहती हूं? ये सच भी जानते हो तुम? मुझे तो चाहती नहीं होगी। शामिर, शामिर, शश, शामिर, शामिर, यस, शामिर। वेरी गुड, तुम्हारी नॉलेज तो बहुत अच्छी है। एक्चुअली पता है ये पूरा साइकिल है कि मैंने तुमसे क्यों पूछा? क्यों, क्यों पूछा? ताकि तुम्हें ये पता चले कि ये पूरा मामला, यानी शामिर सिकंदर, मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारा मेरे साथ सच बोलना
कितना जरूरी है। सच झूठ तो मैं बोलता ही नहीं हूं, आपके साथ तो सच कभी भी झूठ नहीं बोलूं। गुड, यू कैन लीव नाउ। आई कैन लीव। ओके बाय। हाँ हाँ हेलो ब्रो, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? मैं अभी अभी मेहरीन के घर से आ रहा हूँ और कुछ मामला सीरियस है। समझा नहीं मैं। मिल के बताता हूँ। मैं तुझे लोकेशन भेज रहा हूँ, बस तू पहुँच। और सुन, फौरन पहुँचना, अच्छा? देर नहीं करना, फौरन पहुँच। अच्छा एक काम कर, बात सुन, आते हुए ना मेरे लिए आई क्लीनर लेकर आना यार, पता नहीं क्या फाँक में चला गया। वेट कर रहा हूँ। ओके बाय। यार शामिर, मुझे लग रहा है मेहरीन तेरे लिए बहुत पोसेसिव हो रही है, और तू यार उसको फोन नहीं कर सकता, मैसेज नहीं कर सकता, मसला क्या है? एक बात बताऊं तुझे? हाँ। मेहरीन और नजले में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों पे दवाई काम नहीं करती, इग्नोर करना बनता है। इग्नोर कर। ओ भाई, तू इग्नोर कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। हारून बेग की बेटी है यार। तो भी शामिर सिकंदर का दोस्त है भाई, क्या हो गया तुझे? डर क्यों रहा है? मैं तेरे साथ हूँ, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करता जा, ठीक है? मगर यार। अरे बोले ठीक है। हाँ ठीक है, मगर मेरी अभी भी शादी हुई है यार, हनीमून पे जाना है मुझे, तुम्हारी वजह से मैं वहां भी नहीं जा पा रहा। एक दफा शिप्रा तक पहुंचने थे, तेरा हनीमून खुद कराऊंगा, टिकट भी दूंगा, तेरे साथ भी चलूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा, टिकट करे तू यही रहे। डन। हाँ तेरे लिए भी एक आइडिया मेरे पास। देख देख, थोड़ा सीरियस है, हमारी है ना, देख चार जायज है, तो अगर तू एक अमीर और एक गरीब, तो तू एक दो। मजाक कर रहा हूँ यार, तू सीरियस क्यों हो जाता है हर बात पे? मजाक कर रहा हूँ। क्या हुआ, इस बार भी नाम नहीं आया ना तुम्हारा? नहीं अम्मी, इस दफा भी लिस्ट में नाम नहीं आया। लगता है मेरी किस्मत में सरकारी मुलाजमत लिखी नहीं शायद। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। चलिए। हाँ सब तैयार है। चलिए शुक्रिया। ओके जी। फजल बख्श। हाँ जी। वो एक बात पूछना चाह रही थी तुमसे। पूछे बेटा, यहाँ रहने में तुम्हें कोई मसला तो नहीं हो रहा ना? नहीं जी, मसला तो नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ असल में, आप लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं। हाँ वो कहने का मकसद ये था, भैया शिप्रा तंग तो नहीं करती? आंटी आपका हाथ मेरे सर पर है, इसलिए परेशानियों में निकलता हूँ, सर वेट कर रहे हैं। ठीक है, आ गई सब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस। और सुनो, तुम कौन हो? वो फवाद खान हो? नहीं, शान हूँ। शान को तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम कौन से वाले शान हो? इस घर की शान हूँ। आप कौन? ओ तुम कहीं वो मुफ्त खोरे तो नहीं हो जो मेरे भाई की खुशामने कर करके इस घर में टिक के रहने ही आ गया है हमेशा के लिए? जानती है मैं कौन हूँ? खोर कहीं का, किस तरह बात कर रही है? क्या कौन हूँ? बात सुनिए, आप बहुत गुस्से में, आराम से धम्मल से बात। अरे कब्जा करने आ गया हमारे घर? क्या हो गया, सब ठीक तो है? भाई साहब के होते हुए कुछ ठीक कैसे हो सकता है सफिया? मुबारक हो तुम्हें बहुत बहुत, मेरे बेटे को इस बार भी नौकरी नहीं मिली। मांग रही क्या था मैंने, है?
17 ग्रेड की नौकरी नहीं दिला सकते थे मेरे बच्चे को, तो चलो 14 ग्रेड का स्टेनोग्राफर ही रखवा देते। पर ना हराम है जो भाईजान कभी कोई काम कर जाए। अरे उनका तो बस नहीं चलता, अपने दफ्तर में चपरासी भी ना रखे मेरे बच्चे को। आप गुस्सा छोड़े ना, आप बैठे, मैं सुलेमान से बात करूंगी। बात तो खत्म हो गई अब सफिया, बात क्या करोगी? बड़ा शौक है ना भाईजान को बेटियों को अपने घर में बिठाने का। ऐसा नहीं है, बता देना उन्हें, उनका आधा शौक तो मेरा बच्चा कल आके पूरा कर जाएगा। अम्मी एक सही, ये बात नहीं हुई थी, आप प्लीज आराम से बात। जो खबरदार, जब मुंह से एक लफ्ज भी निकला तो मरा हुआ मुंह देखेगा मेरा। बता देना भाईजान को कल तक का वक्त दे रही, या नौकरी या तलाक। आंटी देखो गुस्सा ना हो, बैठ के सुकून से हम बात करते हैं। तुम कौन हो भाई? तू कौन हो भाई? घर के मामला बोलने वाला? मेरी बात कैसे कर रही हो? अरे बात क्या है, मेरी बात क्या है? आप भाई आप गुस्से में, मैं बात करता हूं। आजा 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 सफिया, अब नरगिस ना भाईजान के 600 में नहीं आएगी। बस बहुत हो गया, बहुत सब्र का इम्तिहान ले लिया तुम लोगों ने मेरा। हमें दिमाग खराब करके रख दिया है। अरे आंटी आप परेशान नहीं हो, इतना बड़ा मसला नहीं है, इस मसले को हम मिलकर हल कर लेंगे। अभी मैं उन लोगों को समझाऊंगा और बात खत्म हो जाएगी, इसमें परेशानी वाली बात थोड़ी आपकी। आंटी आंटी वाकई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह कितनी कितनी बड़ी खुशखबरी सुना दी तुमने। शिब्रा एक काम करते, तुमने किसी को नहीं बताना ठीक है, हम शाम को घर जाके सबको सरप्राइज देते ठीक है ना? आप खुश तो है ना? अरे खुश, क्या बात कर रही हो तुम बेटी, तुमने तो मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया और तुम पूछ रहे हो कि बाबा आप खुश हैं? बस बाबा आप इतने दिनों से ऐसे उदास थे ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो अच्छा हुआ ना आपको एक खुशी की खबर सुना दी। खुश रहो, आबाद रहो तुम, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। ये क्या बाबा, मुझे आपकी ये रूहानसी आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है, ये आंसू मांसू और ये रोना वोना बंद कर दें बस। अरे वो खुशी के हैं, अल्लाह का फजल छुपा होता है उनमें से, वो बस छलक पड़ता है। बस मैं आ रही हूँ, हम सेलिब्रेट करते हैं ठीक है? जीती रहो, प्राउड ऑफ यू बेटी, प्राउड ऑफ यू। अल्लाह हाफिज। अरे सफिया, अरे मुंह मीठा करो, देखो कितने दिनों बाद घर में खुशी आई है। अरे शिब्रा ने टॉप किया है, ये मुंह मीठा करो, ये अरे मुंह मीठा करो, क्या हो गया सफिया? क्या हुआ अम्मा, बात क्या? बात ही तो आज खत्म हो गई है, और वो भी सिर्फ तुम्हारे पापा की वजह से। क्या मतलब? सुकैना ये क्या हो गया? सुकैना बेटा मुझे सफिया इतनी खुशी की खबर है, क्या हो गया? मतलब खुशी की खबर क्यों सलमान, क्या सिर्फ शिब्रा आपकी बेटी है? सुकैना आपकी कुछ नहीं लगती, सुकैना भी तो आपकी बेटी है, इसका घर उजड़ने से बचा ले सिर्फ एक दफा, सिर्फ एक दफा अपने असूल छोड़ दे, अपनी अना छोड़ दे, अपनी बहन की बात मान लीजिए ना, मेरी बच्ची को इज्जत से रुखसत कर दी। आपकी भी तो बेटी है ना, सिर्फ मेरी तो नहीं है, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, आप कहेंगे तो मैं आपके पांव में पड़ जाऊंगी। मेरे मां इसको बर्बाद होने से बचा ले, इसको आबाद करते, इसका घर आबाद करते से बचा ले सुलेमान,
पहचाने इसे। सर मेरी जो तू कहे।